और चलिए आपको गोरखपुर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर दो बच्चों की कहानी कुछ ऐसी है कि उसे आपको बताना नहीं बल्कि दिखाना जरूरी है। पानी ला के देते हैं, ब्रश देते हैं, मुंह धुलो, मुंह धुलाते हैं, खाना ला के देते हैं, स्कूल जाते हैं, पानी उनी सब कुछ रख के जाते हैं। अम्मी अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, नहीं और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, पूछते पूछते सब निकलते हैं, निकल के चले जाते हैं। दिन भर हम रोवा करते हैं, देखो हमारे बच्चे कितना साथ दे रहा, दुनिया में हमारा कोई नहीं है साथ देने वाला, अगर बच्चे ना होते तो हमारा क्या होता। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। जिन मासूमों को उनके आंचल की ज़रूरत है, वक्त ने उनके सहारे जीने पर मजबूर कर दिया है। कितने मासूम मासूम बच्चे को माँ की जरूरत है, बच्चे माँ का ख्याल करते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, अम्मी कुछ है खाने को, रहता है तो खा लेते, नहीं रहता तो कहते बनाओ, तो कहेंगे भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। गोरखपुर शहर के बीचों बीच दुर्गाबाड़ी इलाके में रहने वाली सलमा खातून की दुनिया इस कमरे तक ही सिमट गई है। 7 साल पहले हादसे में अपाहिज हो चुकी सलमा के शौहर ने दुनिया छोड़ी तो रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। अब यही बच्चे इनकी दुनिया हैं। जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ तब से हमारी आधी से ज़्यादा मुसीबत कट गई बच्चों को देख के। इतनी मदद हमारी बच्चों करते हैं कि इतना, और पूरे शहर गोरखपुर में और हमारे भाई बहन ने नहीं किया, माँ बाप ने नहीं किया जितना हमारे बच्चे करते हैं। 11 साल का अनस और 9 साल का अमन अब घर के हर उस काम को समझ चुके हैं जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए कतई नहीं होते, लेकिन हालात सब कराते हैं। कल सुबह में उठते हैं तो अम्मी जगाती हैं, हम लोग उठ ही नहीं पाते हैं ना, तो फिर अम्मी जगाती हैं, हम लोग अम्मी ब्रश मंजन करती हैं तो हम लोग देते हैं, फिर चाय बनाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं खाना बनाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो थोड़ा खेलते हैं, फिर काम और फिर झाड़ू लगाते हैं। सलमा के परिवार को कभी कोई सरकारी मदद नहीं मिली, पड़ोसी और मोहल्ले के लोगों से भी कुछ मदद मिल गई तो ठीक, वरना दिन फांका कशी में ही गुजर जाता है। मैं यहाँ का पड़ोसी हूँ, मैं मुझसे देखा नहीं जाता, मैं मुझसे जो हो सकता है मैं करता हूँ यहाँ करके, मगर मेरी अपील ये है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी हों, नेता मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई मदद आ जाती इनके लिए तो हेल्प हो जाता। अनस और अमन को भरोसा है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी, माँ एक दिन खुद उनके लिए खाना पकाएगी, अपने हाथों से उन्हें खिलाएगी। अनस और अमन की उम्र तो महज 11 साल और 9 साल है, लेकिन अपनी माँ की बेबसी देखकर ये बच्चे समय से पहले ही बड़े हो चुके हैं। तमाम दुश्वारियों को झेलने के बाद भी इनके हौसले आज भी कायम हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन इनकी माँ अपने पैरों पर जरूर खड़ी हो सकेगी। गोरखपुर से विजय प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।